वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौर और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूज़फुल एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ठीक है, आप डेली अपने फ़ोन को यूज़ करते हो नाइट में, ठीक है, करते हो आप, और आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ज़्यादा यूज़ करते हो अपने फ़ोन को। जैसे कि अभी पबजी बहुत ट्रेंडिंग गेम है एंड उसको आप नाइट में उसको प्ले करते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता है, नाइट में आप उसको प्ले करते हो। कोई भी आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, कोई भी आप अपना मोबाइल आप अगर नाइट में यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो मतलब आइस पे उसका जो असर होता है वो आप मतलब आपको नींद आने लगती है जल्दी ही। ठीक है, मैंने आपके आइज़ में कुछ दर्द भी होने लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या उसके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करते हो मतलब जल्दी उस पर कुछ इलाज नहीं कर पाते हो तो आपके मतलब आँखें कमज़ोर होने लगती है और आपको धुंधला सा दिखने लगता है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा, आपको जो आप रात में फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको रेडिंग मोड यूज़ करें। रेडिंग मोड में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है जो कि फ़ोन में होता है ना। आपको करना चाहिए दोस्तों एक एप्लीकेशन इंस्टॉल अपने फ़ोन में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ब्लू लाइट। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, आपको जैसी लाइट चाहिए रात में अपने फ़ोन में वैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको इनक्रेंसेंट लैंप मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको लैंप, यहाँ पे आपको इलिप्स एंड यहाँ पे आपको सनलाइट, ओके, यहाँ पे आपको मूनलाइट, नाइट शिफ्ट, यहाँ पे आपको कैंडल लाइट। ठीक है, ऐसे ही सारे आपको लाइट यहाँ पे मिल जाएगी। आपको जैसे इसमें कस्टमाइज़ करना है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एंड इससे आप स्क्रीन की जो डिमनेस होती है वो मतलब इंटेंसिटी वो बढ़ा सकते हैं कलर की, एंड यहाँ से आप डिम कर सकते हैं स्क्रीन को। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से इसको डिम कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये बहुत यूज़फुल होता है आपको नाइट में जब आप फ़ोन यूज़ करते हो तो, क्योंकि आप जो आपकी आँखें होती है उससे सेफ रहती है, एंड आई पे कोई भी जो लाइट का है कुछ असर नहीं हो पाता है। ठीक है, इससे लाइट की जो रिफ्लेक्टिव होती है वो बहुत कम हो जाती है, एंड आपको जो अच्छा लगता है इसमें जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है स्क्रीन के लिए वो आप ऐसा रख सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो देख रहे हो तो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप ये वाला रखें लैम्प। ठीक है, एंड अगर आप कोई भी गेम या कोई प्ले कर रहे हो तो आपको ये वाला रखना चाहिए, और जैसे आप स्क्रीन को डिम भी कर सकते हो। एंड इसकी जो नेक्स्ट इसका फीचर है कि आप इसे टाइमर भी सेट कर सकते हो, मतलब आपको यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देना है, एंड जो यहाँ पे टाइमर है यहाँ पे भी चालू हो चुका है 1 मिनट। ठीक है, ऐसे आप उसको सेट भी कर सकते हो। ओके तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए, और हमारे वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।